हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्रिकेट का महाकुंभ यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि रिसेंटली काफ़ी सारे मैच भी कंप्लीट हो चुके हैं, जहाँ पर हर एक मैच में हर एक टीम का काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। यहीं पे आईपीएल की टीम सीएसके और पंजाब के बीच आईपीएल का मैच नंबर 53 खेला जाएगा। एक तरफ जहां पे चेन्नई टॉप 4 में स्टेबल है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब बॉटम 4 में। 1 मई को हुए मैच में पंजाब ने चेन्नई को आसानी से हरा दिया और फिर दोनों के बीच में अगेन मैच होने वाला है। यह मैच आपको 5 मई को चेन्नई के हिमाचल के धर्मशाला स्टेडियम में खेला जाएगा। यह सीजन का यह पहला मुकाबला खेला जाएगा, यह पंजाब का दूसरा होम ग्राउंड है। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हिट रेट देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 30 मैच खेले गए हैं, जिसमें से चेन्नई 16 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पे पंजाब 14 मैच जीत के आ रही है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे धर्मशाला का पिच हमेशा से पेस बॉलर को शूट करती है। यहाँ की पिच पे बॉल स्विंग होती है, पेसर को यहाँ पे एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है, स्पिन बॉलर्स को डेथ ओवर में प्रॉब्लम हो सकती है, रिकॉर्ड्स भी पेस बॉलर को एज देता है। ड्यू को फैक्टर को देखते हुए यहाँ पे टॉस जीतकर टीम पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी। यहाँ पे पेस वर्सेस स्पिन का रेशियो 3:1 का है। तो आगे बात करते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 33% रहेगा और टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इनके विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 45% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 55% जीतने का चांस है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इनका एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 180 है, तो वहीं पे सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 154 है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम पंजाब किंग्स का शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं, जहाँ पे टीम ने अब तक टूर्नामेंट में क्लोज मुकाबलों में मैच फिनिश नहीं कर पा रही है। कई सारे मैच में टीम ने क्लोज मार्जिन से भी गंवाए, कप्तान शिखर की चोट के चलते बाहर हो गए, लेकिन लास्ट गेम में टीम ने स्ट्रॉन्ग टीम्स केकेआर और एनसीएसको को हराया। टीम अब तक 10 मैच खेले जिसमें से 4 ही मैच जीत के आ रही है। अब आगे बने रहने के लिए हर मैच जीतना होगा। वहीं अगर ओपनिंग में बात करेंगे, जो कि ब्रेस्टो और प्रभसिमरन सिंह जो टीम को अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, वहीं नंबर 3 पर रेली जोसन जो कि 43 रन बनाए। टीम के हीरो जहां पे शशांक सिंह है जो हर मैच में टीम के लिए रन बना रहे, वो टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी। वहीं लोअर ऑर्डर में जहां पे आशुतोष शर्मा और जितेश शर्मा की जोड़ी इफेक्टिव दिखने को मिल रही है, वहीं पर सैम करन अब तक बैट से कमाल नहीं दिखा पाए। जहाँ पे बॉलिंग में सही बॉलर्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, टीम के 4 बॉलर जो अब तक 10+ विकेट ले चुके हैं, वहीं पर हर्षल पटेल जो कि 14 विकेट के साथ टॉप पे है, वहीं पर कसीगो रवाज जो कि धर्मशाला के पिच पे तहलका मचा सकते हैं, उन्होंने अब तक 11 विकेट लिए है। इंडियन पेसर हर्षदीप सिंह जो कि लास्ट गेम में बहुत मांगे रहे हैं। स्पिन बॉलिंग में जहाँ पे हरप्रीत बुमराह और राहुल चहर दोनों लास्ट गेम में 2-2 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं पंजाब का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि जॉनी ब्रेस्टो है, प्रभसिमरन सिंह है, आशुतोष शर्मा है, जितेश शर्मा है, सैम करन है, शशांक सिंह है, हरप्रीत बुमराह है, हर्षल पटेल है, हर्षदीप सिंह है, कसिगो रवाज है। बात करते हैं, चलते हैं इनके इंपैक्ट प्लेयर देखते हैं, जो कि नाथन इलियस है, शिवम सिंह है, ऋषि धवन है, हरप्रीत बुमराह है, राहुल चहर है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि शशांक सिंह है, जॉनी ब्रेस्टो, हर्षल पटेल है। तो बात करते हैं दूसरी टीम यानी चेन्नई सुपर किंग्स का शॉर्ट एनालिसिस करता है, जहाँ पर चेन्नई ने टूर्नामेंट का जबरदस्त आगाज किया था, फिर टीम कुछ मैच हार गई। लास्ट 4 गेम में जहाँ पे टीम ने 3 मैच हार गई, टीम को अब प्लेऑफ में जाना, थोड़ा सा बचे हुए मैच को जीतना ही होगा। ओवरऑल बात किया जाए, जिसमें से 10 मैच खेले जिसमें से 5 मैच जीते और 5 मैच में हार मिली है। ओपनिंग में बात करेंगे, जो कि रहाणे के साथ कप्तान गायकवाड़ स्टार्ट कर रहे हैं, रहाणे बहुत ख़राब परफॉर्मेंस से गुजर रहे हैं, जबकि ऋतुराज बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, हर मैच में उनके बैट से रन आ रहे हैं। लास्ट गेम में उन्होंने कोहली को पछाड़ कर ऑरेंज कैप हासिल किया। मिडिल ऑर्डर में जहाँ पर डैरी मिचर और शिवम दुबे जो कि हर मैच में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वहीं पर शिवम दीप जो कि टीम के लिए प्लस पॉइंट है। लोअर ऑर्डर में जहाँ पर धोनी और जडेजा जो कि मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी रखते हैं, वहीं बॉलिंग में टीम 7 बॉलिंग ऑप्शन के साथ मैदान में उतर रही है। जहां पे मुस्तफिजुर रहमान टीम के जो कि 14 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है, लेकिन उन्हें लास्ट कुछ मैचों में विकेट नहीं ले पाए। दीपक चहर भी पूरी तरह फॉर्म में नहीं आए, वहीं पर तुषारदेश पांडे के जगह शार्दुल ठाकुर को चांस मिला था। जहाँ पर मथीसा पथिराना का जगह आए थे रिचार्ड ग्लेशन जो कि आईपीएल में डेब्यूट किया। स्पिन डिपार्टमेंट रविंद्र जडेजा, मोइन अली जो कि बेअसर दिख रहे हैं। अब बात करते हैं चेन्नई का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ है,
अजिंक्य रहाणे, डैरी मिचेल, मोइन अली, शिवम दुबे, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, तुषार देशपांडे, दीपक चहर, रिचार्ड ग्लेशन, मुस्तफिजुर रहमान। वहीं अगर इम्पैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि शेख रशीद है, समर रिजवी है, मिचेल सैंटन है, रचिन रविंद्र है, शार्दुल ठाकुर है। अगर की प्लेयर की बात किया जाए जो कि ऋतुराज गायकवाड़ है, शिवम दुबे, मुस्तफिजुर रहमान है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते चलते विनर के। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स होगा, यहाँ पे पंजाब किंग्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएंगे हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।